गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट लेक्चर। फ्रेंड्स, अब तक हमने इस चैप्टर में आई थिंक नियर अबाउट 26 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो लेवल ऑफ क्वेश्चन वो इंक्रीज हो रहा है। अभी भी कई सारे फिगर वाले क्वेश्चंस बाकी है, लेकिन ये बात भी सही है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको या तो माइनर सेक्टर फाइंड करना है या तो माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के लिए भी आपको माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है, वो चीज़ फाइनल है। ऐसे देखा जाए तो अभी तक एक ही फॉर्मूला आई है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आज भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर सेप्ट ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट इट। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका कोई एक कॉर्नर है, वहाँ पेग के साथ हॉर्स को बंधा हुआ है वहाँ। एंड द साइड ऑफ फील्ड इज 15 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर। तो उसकी फिगर अगर हम सोचे तो ऐसे होगी फ्रेंड्स, सपोज इट्स अ 15 मीटर स्क्वायर फील्ड। इट्स अ स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी एंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? इट्स अ 15 मीटर। गॉट इट? इट्स अ स्क्वायर, सो इट मीन्स लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ व्हाट? इट्स अ हॉर्स इज टाइड बाय 5 मीटर लॉन्ग रोप। इट्स लाइक दिस, सपोज वन कॉर्नर इज दिस एंड अ हॉर्स टाइड ऑन अ पॉइंट ए विद द 5 मीटर रोप। सो इसका मतलब ये, सपोज 5 मीटर इज हियर अप टू हियर, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हॉर्स है वो इतना जो पोर्शन है वहाँ कहीं भी ग्रेजिंग कर सकता है। समझ में आ रहा है? ग्रेजिंग, इतने पोर्शन में वो कहीं भी जा सकता है। गॉट इट? सो दिस पोर्शन इज अ बिकम्स पार्ट ऑफ ग्रेजिंग। इतने पार्ट में जो हॉर्स है वो ग्रेज कर सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। हॉर्स जितने पार्ट में ग्रेस कर सकता है उतने पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। राइट नाउ हॉर्स कैन ग्रेस ओनली इन दिस पार्ट, सो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये जो है वो क्या है? ये किसकी फिगर है? इन अ मैथ्स इट्स अ फिगर ऑफ व्हाट? इट्स वेरी इजी, हम जानते हैं फ्रेंड्स, अगर इतना पोर्शन हम यहाँ से निकाल दें तो ये किसकी फिगर हो जाएगी? ये हमें मालूम ही है फ्रेंड्स, हर बार यही आता है और कुछ नया आने वाला है ही नहीं फ्रेंड्स। इट्स अ फिगर ऑफ व्हाट? माइनर सेक्टर। ये किसकी फिगर है? माइनर सेक्टर। तो यहां अब हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द एरिया ऑफ द पार्ट
the area of the of that part. In which the horse can graze. Again, I repeat, the area of that part in which the horse can graze is actually what? It's a minor sector. तो अभी हमें उसकी फॉर्मूला लिखनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट? इट्स अ 3.14. अगर अब हम इसका पॉइंट निकाल देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? इट्स अ 100. और द रेडियस इज व्हाट? इट्स अ 5. सो 5 × 5 एंड द थीटा. अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे थीटा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स. इनडायरेक्ट हमें थीटा दिया है. कैसे? एज वी नो ऑल फोर एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री. तो यहां भी क्या हो जाएगा? इट्स अ 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? तो यहां हम क्या लिख देंगे? थीटा इज इक्वल्स टू 90 एंड होल डिवाइड बाय व्हाट? इट्स अ 100 and 360. Now it's very simple. 94 = 360. यहां 2 से कट हो सकता है, इट्स अ 157. और यहां से 2 से कट हो सकता है, इट्स अ 22 = 2. यहां 5 से कट हो सकता है, 5 × 20. और यहां भी 5 से कट हो सकता है, इट्स अ 5 × 4 = 4. Now what is the remaining in the numerator? It's a 157. Or in a denominator, it's a 4 × 2 = 8, that is 8. It means 157 divided by 8. So, yahan kya ho jayega? 8 × 1 = 8. 15 minus 8, that is 7. Phir 7 le lege yahan se. So, it becomes 77. 8 × 9 = 72. 77 minus 72, it becomes 5. Remainder is 5. Now division is not possible, that's why it's a point. 0 le lege niche, so it becomes 50. 8 × 6 = 48. 50 − 48, it's a 2. Phir 0 le lege, so it's a 8 × 2 = 16. So remainder is what? It's a 4. Phir 0 le lege, so it's 8 × 5 = 40. So it's a 19.625. मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और ये काफी इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? सेकंड क्वेश्चन. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने लास्ट वाला लेक्चर, उसमें भी जो लास्ट वाला क्वेश्चन था गोल्ड ब्लैक ब्लू वाला, उसको अगर अच्छी तरीके से समझा है तो ये समझ में आ जाएगा. इट्स नथिंग टू वरी. द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है. अब अगर जो रोप है उसकी लेंथ 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दी जाए, तो जो ग्रेजिंग वाला पार्ट है उसमें जो इंक्रीज होता है, समझने की कोशिश कीजिए. ग्रेजिंग वाला पार्ट कितना मिलेगा वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो ग्रेजिंग वाला पार्ट है वो जो इंक्रीज हो रहा है, तो जो इंक्रीज हो रहा है वो जो पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है. वो कैसे? एक्चुअली ना व्हाट, लेंथ ऑफ रोप बिकम्स व्हाट? 10 मीटर. अब तक 5 मीटर था, अब इट्स अ 10 मीटर. सो इट्स लाइक दैट. नाउ अ हॉर्स कैन ग्रेज अप टू दिस पॉइंट, इट्स अ 10 मीटर. सो इट्स लाइक दैट. समझ में आ रहा है? अब जो हॉर्स है वो यहां तक ग्रेज कर सकता है, यहां तक किसी भी पार्ट में, ऐसे इतने पार्ट में वो
कोई भी जगह पे ग्रेज कर सकता है, ये पूरा पार्ट जो अभी मैंने रेड किया है। तो क्वेश्चन ये नहीं है हाउ मच एरिया हॉर्स कैन गेट फॉर ग्रेजिंग, लेकिन क्वेश्चन ये है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अब समझने की कोशिश कीजिए, पहले व्हेन द लेंथ ऑफ रोप वॉज 5 मीटर हॉर्स कैन ग्रेज इन ओनली दिस पार्ट, एंड व्हेन द रोप ऑफ लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर हॉर्स कैन ग्रेज इन दिस पार्ट। सो एरिया इंक्रीज फॉर द ग्रेजिंग इट्स लाइक दिस, ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है पहले तो वो यहां तक ग्रेजिंग कर ही सकता था इतने पोर्शन में, अब वो यहां तक ग्रेजिंग कर सकता है यहां तक, तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितना पोर्शन है, इट्स लाइक दैट, इट्स दिस, इतना पोर्शन इंक्रीज हुआ है, इतना एरिया, समझ में आ रहा है। तो इसी फिगर को अगर हम अलग से ड्रॉ करें तो ये ऐसी हो जाएगी, ये सपोज व्हेन द लेंथ इज 5 मीटर लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर एंड इट्स नाउ व्हेन द लेंथ ऑफ रोप इज 10 मीटर तो अब समझने की कोशिश कीजिए, पहले वो इतने पार्ट में ग्रेस कर सकता था, सो नाउ दिस पार्ट इज द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग, ये जो पार्ट है इतना पार्ट में, इतने पार्ट में वो इंक्रीज हो रहा है, समझ में रहे। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, इट्स सपोज ओ ए पी बी, सपोज यहाँ ऐसे लिख देते सी क्यू डी, सो नाउ व्हाट, हाउ कैन वी गेट द शेडेड पार्ट, इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली इट्स अ टू माइनस एक्टर, वन इट्स अ बिगर माइनस एक्टर एंड वन इज अ स्मॉलर माइनस एक्टर, तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ बिगर माइनस एक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर माइनस एक्टर, एरिया ऑफ माइनस एक्टर व्हेन द रेडियस इज 10 मीटर माइनस एरिया ऑफ माइनस एक्टर व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर, समझ में आ रहा है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी, तो अब हम वो फाइंड कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर, ओके। नाउ एरिया ऑफ बिगर माइनर सेक्टर, बिगर माइनर सेक्टर मीन्स व्हाट, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, इट्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर मीन्स व्हाट, व्हेन द रेडियस इज 5 मीटर अब जब रेडियस 5 मीटर है तो जो माइनस सेक्टर बनता है उसकी, उसका एरिया तो है हमारे पास, तो वो अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां हम क्या लिख देंगे, इट्स 19.625। नाउ अगेन पुट डाउन द वैल्यू, पाई इज व्हाट 3.14 डिवाइड बाय 100, बट नाउ रेडियस इज व्हाट, इट्स अ 10 मीटर, सो इट्स अ 10 × 10 and the theta is what, it's a 90 × 360 minus 19.625, now what, now 2020 are cancel, 19 4 za, ab 2 se yahan cut kar dege to 2 se yahan 157 aur 2 2 za, ab 157 divided by 2 kar dege to 2 7 za 14, remainder is 1,
2 8s are 16, remainder is 1, so it's a 0.5 माइनस 19.625. अब सिर्फ क्या करना है, 78.5 माइनस 19.625, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, यहाँ 10 9 और 4, तो यहाँ 5 7, यहाँ 10, यहाँ 7, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 और यहाँ 6, सो इट्स अ 8 और 5, इट्स अ 58.875 मीटर स्क्वायर. तो ये कौन सा एरिया है जो इंक्रीज हो रहा है इन द ग्रेजिंग, इट्स अ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, ये वो वाला पार्ट है. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है. फर्स्ट, इट्स अ जस्ट एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, एंड सेकंड, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके फ्रेंड्स, आपने अभी ये क्वेश्चन देखा, इट्स वेरी सिंपल. आगे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब स्टोरिकल क्वेश्चन है, बाद में फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, अ ब्रोच मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायामीटर 35 मिलीमीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन अ मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स शोन इन अ फिगर. ओके, यहाँ फिगर तो नहीं है लेकिन हम उसको ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स. इट्स लाइक दैट, सपोज इट्स अ ब्रोच इज इन अ सर्क्यूलर फॉर्म, ओके, इट्स अ सेंटर. नाउ व्हाट, मेकिंग 5 डायामीटर्स, तो अब हम 5 डायामीटर्स ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, इट्स अ 4 एंड इट्स अ 5. थोड़ी सी फिगर प्रॉपर नहीं है लेकिन आपको ऐसा ही समझना है कि ये 5 डायामीटर्स है और दे आर 10 इक्वल सेक्टर, ये सभी सेक्टर जो है वो इक्वल है. एक्चुअली राइट नाउ दे आर नॉट इक्वल, लेकिन आपको ऐसा समझना है. समझ में आ रहा है, दे ऑल आर सेक्टर, इट्स अ फर्स्ट सेक्टर, इट्स अ सेकंड सेक्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10, गोट इट, 10 सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर एज ऑन फिगर. अगेन आई रिपीट, राइट नाउ जो आप सेक्टर देख रहे हो दे आर नॉट इक्वल इन अ फिगर, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है उसमें वो इक्वल ही है. ओके, ये मैंने मैन्युअली किया है इसलिए प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है. ओके, अगेन आई रिपीट, अब्रोच, इट्स अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, ये पूरा ब्रोच सिल्वर वायर से बनाया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, विद द डायामीटर 35 मिलीमीटर, सभी डायामीटर कितनी है उसकी लेंथ 35 मिलीमीटर, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स, यहां भी वायर यूज हुआ है, कहां डायामीटर में भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, इन विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर. फर्स्ट इज व्हाट, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये पूरे ब्रोच को बनाने के लिए जो सिल्वर वायर है जो रिक्वायर्ड है उसकी लेंथ चाहिए. तो अब सबसे पहले तो ये सोचिए कि इस ब्रोच में कहाँ कहाँ हमने सिल्वर वायर यूज़ किया है. तो कहाँ कहाँ हमने सिल्वर वायर यूज़ किया है, फर्स्ट
इस बॉर्डर में यूज किया है, यहां हमने सिल्वर वायर यूज किया है, तो ये क्या है, ये मैथ्स में क्या है, इट्स अ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस में यूज हुआ है। देन सेकंड, इट्स इन अ डायामीटर, यहां भी यूज हुआ है, ये बनाने में भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, ये बनाने में भी सिल्वर वायर यूज हुआ है। इसमें भी सिल्वर वायर यूज हुआ है, इन सभी में सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि कहां कहां सिल्वर वायर यूज हुआ है, इन द सर्कमफ्रेंस एंड द ऑल फाइव डायामीटर्स। तो बस उन सभी की लेंथ का हम सम कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो फर्स्ट इज व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required is, okay, as we decide कहां कहां हमें सिल्वर वायर की जरूरत है, first in a circumference, so circumference की फॉर्मूला क्या है, it's a 2πr, second is in all diameter, डायामीटर क्या है, डायामीटर मींस उसकी लेंथ दी गई है 35 मिलीमीटर, लेकिन कितने डायामीटर है, 5, सो इट्स अ 5 टाइम, सो इट्स अ 5 इनटू डायामीटर्स, ओके। नाउ 2 इनटू पाई नहीं दिया है, तो इट्स अ 22/7, ओके। नाउ डायामीटर इज 35 मीटर्स मिलीमीटर, सो रेडियस इज व्हाट, इट्स अ 35/2, तो यहां क्या हो जाएगा, इट्स अ 35/2, और डायामीटर की लेंथ क्या है, इट्स अ 35। अब सिंपली यहां डिवीजन कर देंगे, 7 5 जा, यहां 2 2 कट हो जाएगा, 22 into 5, इट्स अ 110, यहां क्या हो जाएगा, 5 into 5, 25, यहां 2, इट्स अ 5 3 15 + 2, इट्स अ 175, सो इट्स अ 5, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 8, और यहाँ 2, इट्स अ 285 मिलीमीटर। सो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 285 मिलीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, समझने की कोशिश कीजिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मान लीजिए कि मैं ये वाला सेक्टर भी ले रहा हूं, दे ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल ही है फ्रेंड्स। अब ये क्या होगा, इट्स अ मैथमेटिकल व्हाट, ये जो सेक्टर है उसको हम क्या कहते हैं, इट्स अ माइनस सेक्टर, तो उसकी फॉर्मूला में मालूम ही है, एरिया ऑफ each sector is, it's a actually minus sector, so it's a pi r square theta by 360, again pi is what, it's a 22/7, and the radius is what, again diameter is 35, so radius is 35/2 into 35/2, so denominator में 2 times 2 हो जाएगा। Now the problem is this, अब काफी बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें थीटा तो दिया ही नहीं है, काफी बच्चे ये भी कहेंगे सर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, थोड़े सा दिमाग लगाना है, जो पूरा सर्कल होता है फ्रेंड्स वो कितने डिग्री का होता है, इट्स अ 360 डिग्री। अब ये जो 5 डायामीटर्स है उसने पूरे सर्कल के कितने इक्वल पार्ट्स किए, इट मेक्स 10 इक्वल पार्ट्स, सर्कल के 10 इक्वल पार्ट्स किए है, तो जो 360 डिग्री है उसके भी कितने पार्ट्स हो गए इक्वल पार्ट्स, 10, तो यहां हमें थीटा मिल जाएगा, थीटा इज व्हाट,
टोटल इज 360 डिग्री और उसके हमें 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं. सो एवरी थीटा इज अ 36 डिग्री. अब समझ में आ रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में यही चीज थी. अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है. तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इट्स अ 36, सो डिवाइड बाय 360. नाउ जस्ट अगेन डिवीजन, 36 10 जा, फिर यहाँ 7 5 जा, 5 2 जा, या 2 से 11. अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, 11 और 35, तो उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इट्स अ 385, और डिवाइड क्या हो जाएगा, इट्स अ 4. सो डिवीजन काफ़ी इजी है, 4 9 जा 36, रिमाइंडर इज 2, फिर 5 ले लेंगे, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 1, हियर इज पॉइंट, 4 2 जा 8, सो रिमाइंडर इज 2, सो इट्स अ 4 5 जा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज वॉट 96.25 मीटर मिलीमीटर स्क्वायर. सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. गॉट इट फ्रेंड्स? ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने आज हॉर्स वाला किया और सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रॉच. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन हमें शायद एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है. काफी इजी है, छोटा सा ही क्वेश्चन है. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स एंड विच आर इक्वली स्पेस्ड. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. अब अगर हम umbrella को open कर देंगे तो उसका जो हमें part मिलेगा वो ऐसा होगा. It's a circle. उसमें लिखा है assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. अब 8 ribs है. Suppose it's a circle. It's a first rib. It's a second rib, it's a third rib, it's a fourth rib, it's a fifth, हमें टोटली 4 डायमीटर ड्रॉ करनी होगी. इट्स अ सर्कल, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ. नाउ देर आर 8 रिब्स. इट्स अ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन और 8 एंड दे ऑल आर इक्वली स्पेस्ड. सभी में आप देख सकते हो यहाँ प्रॉपर है, सभी में इक्वल स्पेस दी गई है. ऑफ अ रेडियस 45 सेंटीमीटर. सभी की रेडियस क्या है, इट्स अ 45 सेंटीमीटर. यहाँ भी 45 है, इट्स अ 45 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स. सपोज दिस एंड दिस आर द कंसेक्यूटिव रिब्स. अब एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, इट्स वेरी सिंपल. ये दोनों के बीच में ये जो पार्ट है उसका हमें एरिया फाइंड करना है. एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स. तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, हमें मालूम ही है. अगर इंडिविजुअली फिगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट्स अ माइनस सेक्टर. अगेन इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ और सिर्फ हमें माइनस सेक्टर ही फाइंड करना है, नथिंग एल्स. तो क्या लिखेंगे, इट्स अ एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स इज इक्वल्स टू. एक्चुअली वो क्या है, इट्स अ
माइनर सेक्टर. सो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अगेन पाई इज नॉट गिवन, सो इट्स अ 22/7 एंड द रेडियस इज 45 सेंटीमीटर. सो इट्स अ 45 × 45 एंड द थीटा, थीटा इज वॉट, अगेन सेम प्रॉब्लम है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, ब्रोच वाले क्वेश्चन में वही है. तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अब नहीं कहना है कि क्वेश्चन ही गलत है. अब क्या होगा, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का है, 360, और उसके कितने पार्ट हुए, इक्वल पार्ट्स कितने हुए, 8. तो हम उसको 8 से डिवाइड कर देंगे. सो इट्स लाइक दैट, थीटा इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 8, तो वो भी क्या हो जाएगा, 45. सो इट मींस एंगल मेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर पॉइंट इज अ 45 डिग्री. तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट्स अ 45 एंड डिवाइड बाय व्हाट, 360. तो अब क्या करना है, इट्स अ 45 8 जा, वॉट इट, 45 से 8 डिवाइड हो जाएगा वो, और यहाँ 2 से कट कर देंगे तो 2 11 जा और 2 4 जा. अब कुछ कट नहीं हो रहा है तो न्यूमरेटर में इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. अब 45 × 45 करना है तो एक्चुअली इट्स अ 45 होल स्क्वायर. तो इसकी शॉर्टकट मेथड में मालूम है, व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5 देन स्क्वायर मेथड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 होल स्क्वायर, दैट इज 25, 5 स्क्वायर इज 25. अब यहां क्या है, 4 एग्जैक्ट, उसके बाद कौन सा नंबर आता है, 5, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, सो इट्स अ 20. सो 45 × 45 इज व्हाट, 2025. उसको मल्टीप्लाई क्या करना है, 11, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 11 से, 11 5 = 55. सो यहाँ 5 हो जाएगा, 11 2 = 22, 22 + 5 = 27. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ भी 2, और 11 2 = 22, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 28. अगर ये कट नहीं करोगे तब भी चलेगा, यहाँ क्या लिख देना है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, इट्स वेरी सिंपल, इतना ही करना है. सिर्फ छोटा वाला क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में भी दिया जा सकता है फ्रेंड्स. ओके ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम के लिए भी. अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन अ फिगर. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35/cm². ये भी काफ़ी इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं है. लेकिन पहले इसकी फिगर देखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है शोन इन अ फिगर, लेकिन फिगर तो दी ही नहीं है. अगेन आई रिपीट, अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर. तो उसकी एक्चुअल फिगर ऐसी है फ्रेंड्स, इट्स अ राउंड टेबल, इट्स अ सेंटर पॉइंट, इट्स अ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 इक्वल डिजाइंस, ये सभी इक्वल डिजाइंस है फ्रेंड्स. एज शोन इन फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. अब इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35/cm². अब यहां डिजाइन दी गई है, यहां
अब हमें यहाँ डिजाइन करने की जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमें ये जो डिजाइन वाला पार्ट है उसका हमें क्या फाइंड करना होगा, एरिया। अब इसको अगर हम इंडिविजुअली ऐसे सोचेंगे, इट्स अ सेंटर पॉइंट ओ, सपोज इट्स अ ए और इट्स अ बी। नाउ सपोज वी जॉइंट ओ एंड ए, इट्स अ रेडियस, रेडियस ऑफ व्हाट, 28 सेंटीमीटर। इट्स ऑल्सो रेडियस, इट्स अ 28 सेंटीमीटर। तो ये जो सिर्फ यही देखिए, ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इट्स अ माइनर सेगमेंट। लेकिन ऐसे कितने माइनर सेगमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमें ऐसे 6 माइनर सेगमेंट चाहिए। तो इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, यहाँ हम ऐसा लिख देते हैं, क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, ओके, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट। तो जो एरिया ऑफ सेडेड पार्ट है वो क्या होगा, इट्स अ 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो माइनर सेगमेंट है वो 6 टाइम है फ्रेंड्स, ऐसे 6 माइनर सेगमेंट है। एक का एरिया फाइंड करके हम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे फ्रेंड्स, सो इट्स अ 6 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं वो तो हमें मालूम ही है, इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, नाउ 6 इंटू, अब वो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया माइनस सेक्टर की फॉर्मूला क्या है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि कभी हमने ये फाइंड नहीं किया है, माइनस सेगमेंट हमें मालूम ही है, माइनस सेक्टर माइनस ट्राइंगल, सिर्फ इतना याद रखना है, माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज व्हाट, इट्स अ पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब हमें मालूम है कि वी हैव ओनली 3 पॉसिबिलिटी फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, सेकंड व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एंड थर्ड वन व्हेन थीटा इज 120 डिग्री। लेकिन यहाँ हमें मालूम ही नहीं है या कितना एंगल दिया है, इट मींस एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क एट द सेंटर पॉइंट इज नॉट गिवन। लेकिन इसके पहले जैसे हमने ब्रोच वाले क्वेश्चन में किया था, अम्ब्रेला वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसे भी हम यहां फाइंड कर सकते हैं। यहां 6 इक्वल डिजाइन, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां 6 पार्ट होते हैं सर्कल के, तो थीटा क्या हो जाएगा, इट्स अ थीटा इक्वल्स टू, यहां इसकी कैलकुलेशन दिखा देते हैं, थीटा इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 6, सो इट्स अ 60 डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें मालूम है कि व्हेन थीटा इज 60 डिग्री देन इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम यहां क्या लिख देंगे, इट्स अ √3/4 इंटू एल स्क्वायर, एल मीन्स व्हाट, लेंथ ऑफ साइड, अगेन 6 इंटू पाई इज व्हाट, इट्स अ 22/7, रेडियस इज व्हाट, इट्स अ 28 × 28 एंड थीटा इज व्हाट, 60 अपॉन 360 माइनस वैल्यू ऑफ √3 इज गिवन, दैट इज 1.7, सो इट्स अ 7, आइदर 1.7 3 भी दी जा सकती है, समझ में आ रहा है, यहाँ 1.7 दी है, अपॉन 10 इंटू 4 और लेंथ ऑफ साइड कितनी होगी, इट्स अ 28 × 28। अब सिर्फ यहाँ हम कट कर देते हैं, 66 36, 7 4 28, 2 2 and 2 3। अब
क्या बचा है 22, 28 और 2, 22 into 2 that is 44, तो हम यहाँ 28 मल्टीप्लाई विथ क्या कर देंगे 44, यहाँ 0, 8 4 जा 20, 32, here is 3, 4 2 जा 8 plus 3 that is 11, तो यहाँ क्या हो जाएगा 112, 23, 21, so it's a 1232 divide by 3 minus 4 7 जा 28, अब यहाँ क्या हो जाएगा इट्स अ 28 इंटू 7, 7 इंटू 8 56, हियर इज 5, 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 5 इट्स अ 19, अगेन 7 8 जा 56, सो इट्स 6, 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 दैट इज 19, got it? उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा इट्स 0691, 76 जा 42, यहाँ 4 हो जाएगा 79 जा 63 प्लस 4 67, तो यहाँ 7 और यहाँ 6, 71 जा 7 प्लस 6 इट्स 13, 213, यहाँ भी 13, यार 3, और डिनोमिनेटर में क्या है इट्स अ 10, तो क्या हो जाएगा इट्स अ 333.2, अगेन 7 8 जा 56, हियर इज 6, हियर इज 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 इट्स अ 19, मल्टीप्लाई विथ 17, सो यहाँ क्या हो जाएगा इट्स अ 0, 691, 76 जा 42, हियर इज 2, 79 जा 36 प्लस 4 79 जा 63, 63 प्लस 4 67, हियर इज 7, हियर इज 6, 71 जा 7 प्लस 6 इट्स अ 13, सो 2 13, हियर इज 1, अगेन 13, हियर इज 1, इट्स अ 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा इट्स अ 6 इंटू 3 4 जा 3 1 जा 0, 3 6 जा, ऐसे आगे बढ़ता ही जाएगा, 7 कर देंगे तब भी चलेगा, यहाँ माइनस 333.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू यहाँ 0.57, और यहाँ 0 माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, सो हियर इज 10, हियर इज 0, इट्स अ 7, अगेन 0 माइनस 3 इज नॉट पॉसिबल, सो 10 माइनस 3 इट्स अ 7, यहाँ 0 हो जाएगा, अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, 6 7 जा 42, हियर इज 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, हियर इज 3, 6 7 जा अगेन 42 प्लस 3 47, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 7 जा 42 प्लस 4 46, यहाँ आफ्टर टू डिजिट पॉइंट्स है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इट्स अ सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन आई रिपीट 6 7 जा इट्स अ 42, यहाँ 4 हो जाएगा, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, यहाँ 3 हो जाएगा, 6 7 जा 42 प्लस 3 42 प्लस 3 45, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4, 6 7 जा 42 प्लस 4 इट्स 46, तो ये क्या मिल गया हमें इट्स अ एरिया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ लिखना है रुपीस, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज क्या है इट्स अ 0.035, तो यहाँ कितना है इट्स अ 465.4342, तो कितना होगा, अब सिर्फ आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही करना है, ये आपको अपने आप करना है, ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा कि काफ़ी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी फ्रेंड्स,
Now move on to next question. In a figure, two circular flower beds have been sown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. पहले यहाँ तक ही पढ़ते हैं. In a figure, two circular flower beds. अगर हम इसकी बात करें फिगर की, तो कुछ ऐसी फिगर होगी फ्रेंड्स. सपोज इट्स अ स्क्वायर विद द लेंथ ऑफ 56 मीटर. लेंथ स्क्वायर इज 56 मीटर. इट्स अ ए बी सी डी. ए बी की लेंथ क्या होगी 56. बी सी की लेंथ भी क्या होगी 56. सी डी की लेंथ भी क्या होगी 56 और ए डी की भी 56. ओके, देर आर टू सर्क्यूलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन इन द टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. यहाँ एक फ्लावर बेड्स है और यहाँ भी एक फ्लावर बेड्स है इन अ सर्क्यूलर फॉर्म. ओके, इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्क्यूलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स. ओके, डायगोनल्स ड्रॉ करने होंगे. ए सी इज द डायगोनल एंड बी डी इज द डायगोनल. ओके, नाउ इंटरसेक्शन इज ओ, गॉट इट. अब सबसे पहले यहाँ तो आपको एक रूल्स पता होना चाहिए स्क्वायर के लिए, उसके डायगोनल्स के लिए. उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो एक तो मिड पॉइंट होता है. इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स. इट मीन्स इट डिवाइड्स डायगोनल्स इन टू इक्वल पार्ट्स. और सेकंड चीज, वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इट मीन्स एट पॉइंट ओ इट्स अ 90 डिग्री. समझ में आ रहा है? एक तो वो वहाँ 90 डिग्री भी बनाएगा और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स. और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये है इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड. समझ में आ रहा है? ये जो फ्लावर बेड्स है उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा? इट्स अ ओ. उसने कहाँ से ड्रॉ किया है? इट्स अ फ्रॉम दी ओ. ओके, सो एक्चुअली इट्स अ रेडियस. इट्स अ आर. इट्स अ आर, ये भी आर ही होगा. और यहाँ क्या हो जाएगा? इट्स अ 90 डिग्री. और इसकी लेंथ क्या है? 56. अब ये जो पार्ट है फ्लावर बेड्स, ये फ्लावर बेड्स यहाँ है फ्रेंड्स. ओके, अब क्वेश्चन क्या दिए गए? फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स. ओके, अगेन देर आर टू क्वेश्चंस. फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन. अब लॉन कहाँ है? टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन सोन इन टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लॉन. यहाँ लॉन कौन है फ्रेंड्स? इट्स अ स्क्वायर. ए बी सी डी इज द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स. ओके, समझने की कोशिश कीजिए. ये जो लॉन है ए बी सी डी, उसके उसका एरिया और ये जो फ्लावर बेड्स है दो, उसका जो एरिया है उसका हमें सम करना है. तो सबसे पहले तो हमें वो दोनों फाइंड करने होंगे फ्रेंड्स. सो पहले क्या फाइंड कर लेते हैं? इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट, एरिया ऑफ लॉन ए बी सी डी, एक्चुअली इट्स व्हाट? इट्स अ एल स्क्वायर. स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ एल इज व्हाट? इट्स अ 56, इट्स होल स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर कैसे करता हूँ वो सोचिए, वो देखिए. इसकी हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं फ्रेंड्स. सबसे पहले यहाँ 6 है तो 6 होल स्क्वायर कर गए. 6 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36. तो हम 36 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 6. और यहां हम 3 साइड में ले लेंगे. नाउ 2 मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ सेकंड टर्म. सो यहां क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10, 10 6 जा 60, 60 प्लस 3 63. तो यहाँ हम 3 लिखेंगे. अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6.
अब 5 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 प्लस 6 इट्स अ 31, सो इट्स अ 3136, इट्स अ मीटर स्क्वायर। तो जो लॉन है ए बी सी डी उसका एरिया क्या हुआ 3136 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सम, सम ऑफ व्हाट, द एरिया ऑफ लॉन, लॉन का एरिया मिल गया, द फ्लावर बेड्स। अब एक्चुअली ये जो फ्लावर बेड्स है उसके बारे में सोचिए, सिर्फ इतनी ही फिगर आपको देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ये वाली फिगर ही देखनी है पहले। ये वाली फिगर तो आप जानते हो, सपोज यहां मैं पी लिख रहा हूं, अगर इसी फिगर को हम स्ट्रेट कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, इट्स अ ओ, इट्स अ ए, इट्स अ पी और इट्स अ बी। तो ये फ्लावर बेड है, इस फिगर को अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगी। तो ये फ्लावर बेड से, तो इसको हम मैथ्स में क्या कहते हैं, मैं मालूम है ये कौन सी फिगर है, इट्स अ माइनर सेगमेंट। लेकिन ऐसे कितने माइनर सेगमेंट है, टू, तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, एक्चुअली जिसको हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स कह रहे हैं वो क्या है, इट्स अ टू माइनर सेगमेंट, सो टू इंटू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नाउ टू इंटू। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करने में मालूम है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी हमने फाइंड किया, इट्स अ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जिसकी फॉर्मूला क्या है, पाया स्क्वायर थीटा बाई 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, इट्स अ 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द साइड, इट मीन्स ओ ए इंटू ओ बी। नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यू, पाई, पाई इज नॉट गिवन, इट्स अ 22/7, एंड द आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो अब क्या होगा, आर इज नॉट गिवन, सो अब हमें इन द ट्राइंगल ए ओ बी उसमें हमें पी जी टी लेना है, इट्स अ राइट ट्राइंगल। तो पी जी टी कैसे लेंगे, इट्स अ ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। नाउ ए बी की वैल्यू क्या है, इट्स अ 56, सो इट्स अ 56 होल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू क्या है, आर, इट्स अ आर होल स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू क्या है, आर, सो इट्स अ आर होल स्क्वायर। 56 का स्क्वायर क्या है, 3136, वी हैव द ऑलरेडी उसका स्क्वायर, वी हैव द ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ 56। यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स अ 2 आर स्क्वायर। नाउ 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इट विल बी इन अ डिवीजन, सो 2 वन जा 2, 2 फाइव जा 10, 2 सिक्स जा और 2 एट जा, सो इट्स अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। हमें डायरेक्ट आर स्क्वायर ही की ही वैल्यू चाहिए और हमें मिल गई है, तो डायरेक्ट यहाँ हम क्या लिख देंगे, इट्स अ 1568 और थीटा क्या है, इट्स अ 90/360। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इट्स अ आर इंटू आर, नाउ 2 इंटू या 94 जा, अब या 2 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 थ्री जा 12, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगी, इट्स अ 3, 4 नाइन जा 36 और 4 टू जा, अब 4 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 फाइव जा 35, सो रिमाइंडर इज 4, 7 सिक्स जा, तो यहाँ क्या बचा 56 और यहाँ 22, तो 56 मल्टीप्लाई विथ क्या कर देंगे, इट्स अ 22, तो यहाँ 0, यहाँ 2 सिक्स जा 12, 2 फाइव जा 10 प्लस 1 दैट इज 11, यहाँ भी 112 हो जाएगा, 2321, सो इट्स 1232 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर क्या है, 1232 माइनस 1/2 आर स्क्वायर क्या है, इट्स अ 1568, सो 2 इंटू इट्स अ 1232 माइनस 2 7 जा 14,
2 8 16, 2 4 16. अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 2 minus 4, इट्स नॉट पॉसिबल, सो हियर इज 10, हियर इज 2. 12 minus 4, दैट इज 8. 2 minus 8 इज नॉट पॉसिबल, सो हियर इज 10, हियर इज 1. 12 minus 8, दैट इज 4. 11 minus 7, इट्स अ 4. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 8 16, 2 4 8 + 1, दैट इज 9, और 2 4 8, और ये क्या हो जाएगा, इट्स अ मीटर स्क्वायर. तो ये क्या मिला हमें, इट्स अ एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स. लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का सम. तो सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट में इन दोनों का क्या कर देना है, सम करना है, और कुछ नहीं करना है. ओके फ्रेंड्स.